गुड इवनिंग टू एन एवरी वन ऑफ यू आई होल ऑफ यू आर डूंगली वेल हम अपना स्प्रिंट का 11th सेशन लेकर यहां पर आ गए और आज हम लोग पूरा का पूरा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन करेंगे ऐसा कर लेंगे कि बस अगर आपने इस वाले सेशन को पूरा देख लिया तो उसके बाद आपको एग्जाम से पहले बस इतने ही क्वेश्चन को रिवाइज करना है और कुछ नहीं है ठीक है तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल रिविजन होने वाले कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का बहुत मजा आएगा तो आप लोग ये देखो फटाफट से ये शेड्यूल है ठीक है सो दिस इज आर सेकेंड लास्ट सेशन ऑफ दिस स्प्रिंट सीरीज कल हम लोग फाइनली सैम्पलिंग करने वाले ठीक है तो अ लॉर्ड ऑफ यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट सैप्लिंग लॉर्ड ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी टू डू सैम्पलिंग फॉर क्वाइट क्वाइट सम टाइम तो कल हम लोग सैम्पलिंग एकदम डिटेल में करेंगे तो वो आप लोग देख सकते हो एंड uh, बस ये हम लोगों का एकाग्रता का टेलीग्राम चैनल है इस पर आप लोगों को नोट्स वगैरह मिल जाएंगे लेट्स गेट स्टार्ट शुरू किया जाए अपना आज का मुद्दा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन फटाफट से आप लोग वीडियो को कर दो लाइक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड तो कोरिलेशन रिग्रेशन में होता क्या दो है दो चीजें हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन ठीक है कोरिलेशन यह बताता है कि कोई भी दो वेरिएबल्स किस एक्सटेंट तक रिलेटेड हैं और रिग्रेशन यह बताता है

अगर आप ब्रेक्स के बाद अगर आप मतलब डिस्टेंस का देख रहे हो तो वो नेगेटिव ही होगा ठीक है ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो तो कम हो जाएगा तो चाहे जितनी भी स्पीड हो तो स्पीड से वो नेगेटिव हो जाएगा ठीक डन हो गई ये बात चलो उसके बाद हम लोग यहां पर आ जाते हैं मेजर्स ऑफ कोरिलेशन पर ठीक है मेजर्स ऑफ कोरिलेशन पर आ जाते हैं मेजर्स ऑफ कोरिलेशन पर जब आप लोग आओगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा स्कैटर डायग्राम फिर कार्ल पियरस प्रोडक्ट मोमेंट को कोएफिशिएंट, को वी देन वीवियम रैंक को कोएफिशिएंट, एंड देन वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डीविएशन सबसे पहले स्कैटर डायग्राम के बारे में बात करते हैं तो आप एक्स के कॉरस्पॉन्ड एक्स और वाई की वैल्यूज को यहां पर सिंपली प्लॉट करते हो और जो भी डाय आप एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज के लिए यहाँ पर प्लॉट करते हो और जो भी ग्राफ की शेप होती है उसके बेसिस पर रिलेशन आप आपका डिटर्मिन करते हो ठीक है तो ये आपका जीरो से वन के बीच में दिस इज अ पॉजिटिव को ये आपका एग्जैक्टली exactly वन है तो परफेक्ट पॉजिटिव को है ये आपका माइनस से जीरो है तो नेगेटिव को है ये आपका एक्जैक्टली स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है तो माइनस हो गया परफेक्ट नेगेटिव को ये जो गोल गोल घूम रहा है दिस इज आर इज इक्वल टू जीरो नो को और ये जो आर इज इक्वल टू ये है आपका

आओ सर इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं स्कैटर डायग्राम हेल्प अस टू फाइंड द नेचर ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स वेरियबल्स पॉजिटिव नेगेटिव पता चलता है कंप्यूट द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स ये तो नहीं पता पर चल पाता कंप्यूटेशन तो नहीं हो पाती ऑप्टेन द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स ये भी नहीं हो पाता तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज आंसर If the value of correlation coefficient is positive, अगर positive है, then the points in a scatter diagram tend to cluster. तो points कहाँ से जाएंगे? अगर positive है, तो points जो हैं आपके इस तरह से जाएंगे, ठीक है? मतलब lower left से लेकर upper right. तो lower left से upper right option A is your answer.

r के वैल्यू 1 का मतलब भी पॉजिटिव वैल्यू है ठीक है r के वैल्यू 1 का मतलब है यहां पर क्या है पॉजिटिव वैल्यू हो जाता है तो अगर r के वैल्यू प्लस +1 है तो आपके पॉइंट्स ऐसे जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन में होंगे फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट ठीक है क्योंकि r की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव दी हुई है डन चलो हमारा स्कैटर डायग्राम यहां पर कंप्लीट हो जाता है इसी बात पे आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और अब हम लोग आ जाते हैं कार्ल पियर्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन रिलेशन को पर कार्ल पियर्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन रिलेशन को एफिशियंट लीनियर को निकालने के लिए बेस्ट मेथड माना जाता है लेकिन लीनियर को रिलेशन ही निकाल पाता है अगर मान लो कभी लीनियर कोरिलेशन हुआ तो यह सीधा बता देगा अरे कोई को रिलेशन ही नहीं आर विल बी इक्वल टू जीरो ठीक है तो उसका मतलब यह नहीं कि दो वेरिएबल्स के बीच में को रिलेशन ही नहीं है उसका मतलब सिंपली है कि लीनियर को रिलेशन नहीं है पियर्सन के हिसाब से कोई प्रोडक्ट मोमेंट को रिलेशन को एफिशन नहीं आएगा ठीक है को रिलेशन निकालने का फॉर्मुला देख लो कॉव एक्स वाई अपॉन सिग्मा सिग्मा वाई ठीक है कॉव एक्स वाई कैसे आता है? वाई आता है आपका या तो समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन करके आता है या तो ये वाली वैल्यू हो जाती है समीशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम ही है एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मुला भी है कि आप कॉव एक्स वाई और सिग्मा एक सिग्मा वाई से बच जाओ वो है एन इंटू समीशन एक्स वाई माइनस एक्स इंटू समीशन एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई एन इंटू समीशन एक्स स्क् माइनस एक्स होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इंटू एन इंटू समीशन वाई स्क्र इंटू समीशन वाई होल स्क्का स्क्र रूट ठीक है

एन इंटू समेशन वाई स्क्र माइनस समेशन वाई होल स्क् रूट ठीक है तो एन कितना हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छू समन एक्स वाई समीशन एक्स वाई आपका कैसे आएगा टू इंटू नाइन एम प्लस इस तरह से करके ठीक है तो समीशन एक्स वाई आ जाओ देख लेते हैं ये कैसा आएगा टू इंटू नाइन इज इक्वल टू एम प्लस थ्री इंटू एट थ्री इंटू एट इज इक्वल टू एम प्लस

टू प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस एट प्लस सिक्स प्लस एट कितना आपका ट्वेंटी और व्हाट इज समेशन वाई समेशन वाई नाइन प्लस एट प्लस एट प्लस सिक्स प्लस फाइव प्लस थ्री ये आ गया आपका थर्टी नाइन आ गया थर्टी नाइन डिवाइडेड बाई एन यानी सिक्स इंटू समीशन एक्स स्क्स चाहिए आपको तो एक्स के हर एलिमेंट का आपको स्क्वायर करना है और उसका आपको टोटल चाहिए ठीक है तो plus, 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 ये क्या आ जाएगा टू इंटूज इक्वल टू एम प्लस थ्री इंटू इज इक्वल टू एम प्लस ठीक है और इसमें से माइनस करना होगा क्या समेशन एक्स का होल समेशन एक्स यहां पर ऑलरेडी है ट्वेंटी नाइन का होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट सिमिलरली यहां पर आ जाएगा सिक्स इंटू समेन वाई स्क्टर ठीक है समीशन वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन इंटू इज इक्वल टू एम प्लस एट इंटू इज इक्वल और इसमें से आप माइनस करोगे क्या समीशन वाई स्क्र समीशन वाई यहां पर थर्टी नाइन है आप इसमें से थर्टी नाइन का स्क्र माइनस कर दो और ये पूरा स्क्वायर रूट आपका आ गया है ठीक है आप न्यूमिनेटर सॉल्व करो तो ये आ जाएगा ट्वेंटी <coughs>

सिक्स इंटू टू सेवेंटी नाइन इज इक्वल टू माइनस एमआरसीज इक्वल टू यिफ्टी थ्री वन फिफ्टी थ्री का स्क्वायर रूट अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो वन थर्टी सेवन इंटू वन फिफ्टी थ्री इज इक्वल टू इसका square, अरे 137 into 153 is equal to, इसका स्क्र रूट लेंगे उसको मेमोरी में डालेंगे फिर माइनस वन थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई एम आर सी इज इक्वल टू माइनस पॉइंट नाइन थ्री टू फोर माइनस पॉइंट नाइन थ्री टू फोर ये आपका कोरिलेशन आ जाएगा माइनस पॉइंट नाइन थ्री टू फोर ऑप्शन सी विल बी योर आंसर श्योर सब का समझ में आ रहा है बोलन स्टेन फॉरएवर वेन फॉर फॉरएवर यस ठीक है बहुत बढ़िया अरे डिस पर है लव सर जवाब नहीं देगा अच्छा निश्चैन फॉर एवर इशिका जैन वेरी नाइस ठीक है आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ देखो तो कंप्यूट द कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ठीक है इस डेटा को यूज करके आपको कोरिलेशन निकालना है बहुत ही सिंपल है क्योंकि अब आपके पास कोरिलेशन कैसे आएगा अब तो आपको सारी की सारी वैल्यूज दी हुई है तो आर इज इक्वल टू एन यानी टेन इन टू समय एक्स वाई टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी माइनस समीशन एक्स यानी फोर्टी इंटू समीशन वाई यानी फिफ्टी ठीक होल डिवाइडेड बाय एन इंटू समीशन एक्स स्क्वेयर यानी टू हंड्रेड माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर समीशन एक्स होल स्क्वायर अरे समेशन एक्स कितना है फोर्टी हाँ तो समेशन एक्स होल स्क्वायर ठीक ये आ जाएगा उसके बाद टेन इंटू स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर इज टू समेशन वाई होल है अब आओ इसको यहां पर देखा जाए तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा भाई साहब न्यूमरेटर आएगा फोर्टी इंटू फिफ्टी इज इक्वल टू एम प्लस टेन इंटू टू ट्वेंटी इज इक्वल टू माइनस एम आर सी इज इक्वल टू ये तो आ गया दो सौ ठीक है ये आ गया 200 अब यहां पर डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 40 m plus, 10 200 MRC 400 ये आ गया चार सौ आ गया ठीक है और इधर क्या आएगा फिफ्टी इंटू इज इक्वल टू एम प्लस फिर टेन इंटू टू सिक्सटी टू इज इक्वल टू माइनस एमआरसी इज इक्वल टू एक सौ बीस एक सौ बीस ये आ गया अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए चार सो इंटू एक सौ बीस इज इक्वल टू इसका रूट लेंगे दो सौ डिवाइडेड तो दिसंट नाइन वन टू ना तो पॉइंट नाइन वन टू एट तो ऑप्शन ए विल बी श्योर सब समझ में आ रहा है बोलो निष्ठे वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से ठीक है जितने भी लोग यहां पर है आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए आओ

स्क्र रूट और टू फिफ्टी सिक्स का स्क्वायर रूट कितना आता है टू फिफ्टी सिक्स का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाता है आपका सिक्सटीन तो ये आएगा आपका फोर्टी अपॉन फोर इंटू सिक्सटीन ठीक है कॉब एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक सिग्मा वाई फोर इंटू सिक्सटीन तो ये कितना हो गया

वेरियंस ऑफ एक्स को मान लिया हम लोगों ने 16 व्हाट वुड बी द वेरियंस ऑफ द अदर वेरिएबल वेरियंस ऑफ वाई कितना होगा हमने कहा चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आर जो है वो क्या होता है वो होता है कॉव एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ठीक है अब कॉव एक्स वाई आपको दिया हुआ है कोवे एक्स वाई है 20

एंड दिस इज आर ट्वेंटी अपॉन फोर सिग्मा वाई तो क्या मैं कह सकता हूं कि ट्वेंटी अपॉन फोर सिग्मा वाई शुड बी लेस दैन इक्वल टू वन बिल्कुल कह सकता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ट्वेंटी अपॉन फोर शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई ठीक है ट्वेंटी अपॉन फोर शुड बी लेस दैन इक्वल टू सिगमा वाई तो फोर फाइव ट्वेंटी तो मैं कह सकता हूं फाइव शुड भी लेस देन इक्वल टू सिगमा वाई यानी सिग्मा वाई शुड भी ग्रेटर दैन इक्वल टू फाइव

सिग्मा वाई कितना आ जाएगा? सिग्मा वाई आ जाएगा एक्स सिग्मा एक्स इज फोर ठीक है, R है. 4 Sigma X. Sigma X 4. तो सिग्मा वाई कितना आ गया सिग्मा वाई कितना आ गया देखो जीरो पॉइंट फोर इंटू फोर इज इक्वल टू एम प्लस एट डिवाइडेड बाई एम आर सी इज इक्वल टू सिग्मा वाई आ गया आपका फाइव ठीक है सिग्मा वाई आ गया फाइव अब आपको पता है तो अभी इज इक्वल टू समेशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर तो तो दिस इज टू फिफ्टी टू फिफ्टी अपॉन एन इसका होल स्क्वेयर दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे इसका भी स्क्वायर लिया इसका भी स्क्वायर लिया क्या हो गया ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू टू फिफ्टी अपॉन एन ट्वेंटी फाइव एन इज इक्वल टू टू तो n इज इक्वल टू टू फिफ्टी अपॉन ट्वेंटी आ गया आपका 10 n की वैल्यू कितनी आ गई n की वैल्यू आ गई 10 ऑप्शन डी इज योर आंसर आई एम श्योर सब समझ में आ रहा है फॉर व ठीक है ऑप्शन डी यहां पर आपका आंसर आ गया है इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इफ कोवेरियंस कोवेस एक्स वाईज रेस्ट्रिक्शन शुड बी पुट फॉर द स्टैंडर्ड दिवियशन ऑफ एक्स एंड वाई ठीक है तो देखो कुछ तो रेस्ट्रिक्शन आएंगी क्योंकि जो आपका आर होता है वो होता है कॉव एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिस इज योर स्टैंडर्ड दिस इज योर कोरिलेशन ठीक है तो अगर कोवेरियंस आपका 15 है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट है ये या तो 15 हो या तो 15 से ज्यादा ठीक है अगर ये प्रोडक्ट आपका 15 से कम हुआ तो फिर तो कोरिलेशन रिलेशन वन से ज्यादा हो जाएगा और वो ठीक बात नहीं होगी ठीक है तो द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड इवेशन शुड बी आइदर 15 और लेस देन 15 इट शुड नॉट बी मोर देन 15 तो द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड इवेशन शुड बी मोर देन फिफ्टीन हाँ मतलब इट शुड बी इट शुड नॉट बी लेस दैन फिफ्टीन इट शुड भी आदर इक्वल टू फिफ्टीन और इट शुड भी मोर देन देनिफ्टीन द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड लेस स्टैंडर्डिएस फिफ्टीन ये तो नहीं है सम ऑफ द समर्ड इवेशन सबसे कोई मतलब नहीं है ऑप्शन बी ही आपका आंसर होगा ठीक है अब यहां पर कायदे से मोर इक्वल टू और मोर देन मोर देन और इक्वल टू फिफ्टीन होना चाहिए था बट इन्होंने चलो ठीक है सिर्फ मोर देन फिफ्टीन बोला है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज दिस ओनली ठीक आइए जी प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं तो यहां पर सबसे पहली बात तो यह जो मेथड है वो बेस्ट मेथड है फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स प्रोवाइडेड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इज लीनियर ठीक है कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमेशा एक यूनिट फ्री मेजर होता है और उसके बाद ये आपका थर्ड पॉइंट आ जाता है कि जो कोएफिशिएंट का कोरिलेशन है ठीक है वो आपका डिपेंड करता है चेंज इन ओरिजिन से और चेंज इन स्केल से ठीक है तो देखो इट रिमेंस इन वेरिएंट अंडर चेंज इन ओरिजिन और अ चेंज इन स्केल और अ चेंज इन स्केल अंडर कंसीडरेशन डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द स्केल फैक्टर्स ठीक है तो ये चेंज इन ओरिजिन से इनवेरियंट होता है तब कोई फर्क नहीं पड़ता चेंज स्केल से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता इन अदर वर्ड्स आप देखो इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ठीक है आपको एक्स और वाई के टर्म्स में दो इक्वेशंस दी हुई होंगी आपको आर एक्स वाई दिया हुआ होगा ठीक है आपको आर एक्स वाई दिया हुआ होगा तो फिर मतलब आपको एक इक्वेशन दी होगी एक्स और यू के टर्म्स में आपको दूसरी इक्वेशन दी होगी वी और वाई के टर्म्स में ठीक है और आपको एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन दिया होगा आपसे यू और वी के बीच में कोरिलेशन पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से करना है आर ऑफ यू वी विल बी इक्वल टू आर ऑफ एक्स वाई अगर बी और डी के सेम साइंस होंगे और आर ऑफ यू वी विल इक्वल टू माइनस ऑफ आर ऑफ़ एक्स वाई अगर बी और डी के ऑपोजिट साइंस होंगे

तो माइनस वीडियो ऑफ वी इज माइनस सेवन ऑफ वी इज माइनस सेवन ऑफ वाई थ्री तो ये आ गया बी और डी के साइंस सेम है या उपसे हैं? उपसे हैं, अगर ऑपोजिट है तो आर ऑफ यू वी विल इक्वल टू माइनस ऑफ आर ऑफ एक्स वाई तो इट विल बी माइनस ऑफ एंड इज आर ऑफ एक्स वाई आर ऑफ एक्स वाईज एट तो माइनस पॉइंट आंसर

रिलेशन को एफिशियंट इज फॉर फाइंडिंग पियर्स को रिलेशन को एफिशियंट इज यूज फॉर फाइंडिंग क्या को फॉर एनी टाइप ऑफ रिलेशन को रिलेशन फॉर लीनियर रिलेशन ओनली बोथ बी एंड सी तो पियर्सन वाला जो है वो तो सिर्फ लीनियर रिलेशन वाला ही होता है तो ऑप्शन बी यहां पर आंसर आपका आ जाएगा प्रोडक्ट मोवमेंट को रिलेशन को एफिशियंट इज कंसिडर्ड फॉर प्रोडक्ट मोवमेंट को रिलेशन मतलब कार्ल वाला फाइंडिंग नेचर ऑफ द को रिलेशन अमाउंट ऑफ को रिलेशन दोनों के लिए ही ये काम में आ जाता है

को वेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा स्ट्रिक्टली नेगेटिव नेगेटिव होगा होगा ऑलवेज जीरो जीरो या पॉजिटिव और और तो ये कुछ भी हो सकता है ठीक है इसमें खट्टी टॉफी ये कुछ भी कर सकता है ठीक बात है तो आई होप यहां तक की यह बात आपको क्लियर हो चुकी है 25 मिनट हो चुके हैं और हम लोग दो चीजें कर चुके हैं हम लोग स्कैटर डायग्राम भी कर चुके हैं स्कैटर डायग्राम से रिलेटेड हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए और उसके बाद हम लोगों ने यहां पर और क्या कर लिया स्कैटेड uh, डायग्राम के बाद भी हम लोगों ने uh, स्कैट डायग्राम हम लोगों ने पूरा कर लिया और हम लोगों ने पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट को रिलेशन पर कंप्लीट कर लिया है ठीक है अब हम लोग आ जा रहे हैं रैंक पर तो यहां पर रैंक को एफेशन में क्या होता है स्पीयमेंस रैंक को रिलेशन को में आप दो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच का रिलेशन निकालते हो ठीक है तो लेकिन निकालेंगे वही क्वान्टिटेटिव uh, की तरह से ही ठीक है निकाला क्वांटिटेटिव की तरह से ही जाता है बस बोलने के लिए बोल देते हैं ठीक है थीके?

सॉरी 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 बच्चे की लोगे जान क्या लोग आ गया थ्री ठीक है उसके बाद फोर फिर फाइव फिर सिक्स फिर सेवन और फिर ये आ गया एट इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में सेल्स की रैंक्स को असाइन कर दिया <coughs> उसी तरह से एडवर्टीजमेंट की भी रैंक्स को हम लोगों को असाइन करना होगा तो एडवर्टीजमेंट में भी जो सबसे बड़ा है वन उसके बाद टू उसके बाद थ्री फिर फोर फिर फाइव फिर सिक्स फिर सेवन फिर एट ये आपका हो गया है ठीक है अब आपको डिफरेंसेस लेने होंगे रैंक्स के तो टू माइनस टू इज जीरो थ्री माइनस थ्री इज जीरो एट माइनस सेवन इज वन सिक्स माइनस सिक्स इज जीरो फोर माइनस फाइव इज माइनस वन फाइव माइनस फोर इज वन वन माइनस वन इज जीरो एंड सेवन माइनस एट इज इक्वल टू माइनस वन ठीक है आप इनके स्क्वेयर्स लोगे जीरो का स्क्वायर विल बी जीरो जीरो का स्क्वायर विल बी जीरो वन का स्क्वायर विल बी जीरो का स्क्वायर विल भी जीरो का स्क्वायर स्क्र जीरो माइनस वन का स्क्वायर विल बी वन अब आप इनका टोटल ले लोगे समेशन डी स्क्वायर करना होता है ठीक है तो डिविएशन आपने लिए डिविएशन किसके रैंक्स के डिविएशन लिएशन का अब आपको स्क्वायर करना होगा और स्क्वायर करने के बाद आपको इनका टोटल लेना होगा तो टोटल कितना है वन टू थ्री फोर टोटल आ गया आपका फोर ठीक है तो समेशन डी स्क्वेयर समेशन डी स्क्वेयर आ गया आपका फोर नाउ द फॉर्मूला फॉर जाएगा आपका आंसर आएगा तो वन माइनस सिक्स इंटू फोर डी स्क्वायर तो आपका फोर निकला हुआ है ठीक है अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन कितने हैं टोटल आठ है ना टोटल आठ है तो एट इंटू एट स्क्वेयर माइनस वन इस तरह से आपका आ जाएगा ठीक है सर इस तरह से आपका आता है आओ इसको तो एट इंटू इज इक्वल टू माइनस वन इज इक्वल टू इंटू एट इज इक्वल टू एम प्लस सिक्स इंटू फोर इज इक्वल टू डिड बाई एम आर सर सी इज इक्वल टू एम प्लस वन माइनस एम आर सी थ्री एट पॉइंट नाइन फाइव टू थ्री एट दिस इज योर आंसर पॉइंट नाइन फाइव टू थ्री एट पॉइंट नाइन फाइव ऑप्शन 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 डी इज योर आंसर श्योर सब समझ में आ रहा है बोलो फॉर वेन फॉर वे जी ये भी हो गया आइए सर लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां पर आप लोगों को इकोनॉमिक्स और मैथ्स uh, के मार्क्स दिए हुए हैं ठीक है लेकिन इस क्वेश्चन में पंगा ये है इस क्वेश्चन में पंगा ये है कि जब आप रैंक असाइन करने चलोगे जब आप रैंक असाइन करने चलोगे चलो देखो इकोनॉमिक्स के रैंक असाइन करो तो सबसे बड़ा आ गया ये 80 का 1 आ गया उसके बाद आपके पास आएगा 60 विच इज 2 ठीक है सॉरी सिक्सटी आएगा सिक्सटी इज टू उसके बाद आपके पास आएगा सिक्सटी विच इज थ्री ठीक है उसके बाद आपके पास आया फिफ्टी सिक्स विच इज फोर अब आप देखो फिफ्टी और फिफ्टी मतलब इसको फाइव और इसको सिक्स दू या इसको सिक्स और इसको फाइव दू दोनों के दोनों बुरा मान जाएंगे ये फोर्टी सेवन फोर्टी एट जो है ये तो आपका सेवन है ठीक है तो अभी यहां पर क्या हो गया आप नॉर्मली किसी को भी फाइव किसी को भी सिक्स दे दो

आप तीनों की रैंक्स को फाइव 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 कर दो इसकी रैंक सेवन ही रहेगी इसकी रैंक को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है इस तरह से तो रैंक्स असाइन हो जाती है इस तरह से आपकी रैंक असाइन हो जाती है बाकी ये सोल्यूशन मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा यहां पर दिया हुआ है ठीक

T ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहां पर देखें हमने जो रैंक बनाई है वो यहां पर 5.5 जो है, है, है? वो दो बार repeat हो रही ठीक तो Tj की एक वैल्यू तो आ गई 2. फिर इधर अगर 2.5 देखें तो ये दो बार रिपीट हो रही है तो T2 की वैल्यू आ गई 2. दो रैंक दो बार रिपीट हो रही है ये जो रैंक नंबर फाइव है ये तीन बार रिपीट हो रही है तो टी थ्री की वैल्यू आ जाएगी थ्री ठीक है टी थ्री की वैल्यू आ जाएगी थ्री रैंक कितनी बार रिपीट हो रही है ये हम लोगों को देखना है तो पहली वाली रैंक जो 5.5 है वो दो बार रिपीट हो रही है फिर ये 2.5 है ये दो बार रिपीट हो रही है और फिर ये जो 5 है ये तीन बार रिपीट हो रही है है तो T3 जो है, वो 3 आपका आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से आपको ये करना है तो टू क्यू माइनस टू टू क्यूब माइनस टू और थ्री क्यू माइनस थ्री ये करके आपको सम टोटल ले लेना है वैल्यूज आप लोग यहां पर पुट करोगे आपको पूरा का पूरा आंसर मैंने यहां पर निकाल कर दिया हुआ है इसको आप लोग अपने आप से देख सकते हो ठीक है इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अपने आप से देख सकते हो सोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है ठीक आइए सर ये वाला क्वेश्चन ऑफ रैंक को रिलेशन बिटवीन द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एंड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज पॉइंट फाइव ठीक है एंड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन यहां पर यह पॉइंट फाइव आपका आ रहा है ठीक है तो

ठीक है स्पीयरमैन वाली रैंक आपको आपसे एन की वैल्यू पूछी जा रही है नंबर ऑफ टाउन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आर आर इज इक्वल टू वन माइनस सिक्स डी स्क्वेयर अपॉन एन इन टू एन स्क्र माइनस वन ठीक है तो ये कितना है आपका है है is equal to 1 minus 6 into अब N into N square minus 1, आपको ट्राई ट्राई करने आप कर सकते तो मैं सीधा करेक्ट आंसर से ट्राई करके दिखा रहा हूं अगर आपका RHS, LHS के बराबर आ गया तो ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो टेन इंटू इज इक्वल टू

रैंक कोरोलेन कोड इन्वेस्टमेंट फॉर द लास्ट इन कंपनी है वट इज द रेक्टिफाइड रैंक को रिलेशन को एफिशियंट इफ इट इज नोन दै दी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ रैंक को रिलेशन को एफिशंट वॉज जीरो पॉइंट फोर ठीक है तो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी ओरिजिनल वैल्यू आपकी जीरो पॉइंट फोर थी एक काम करते हैं

तो ये हो जाएगा सिक्स इंटू समीशन डी स्क्वे अपॉन सिक्स इंटू सिक्स अरे आ जाएगा समीशन डी स्क्वेर अपॉन थर्टी सिक्स माइनस वन थर्टी फाइव इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स तो समीशन डी स्क्वेर आ जाएगा थर्टी फाइव इंटू जीरो पॉइंट सिक्स समीशन डी स्क्वेयर कितना आ गया समीशन डी स्क्वेयर ये आ गया आपका थर्टी फाइव इंटू जीरो पॉइंट सिक्स एंड दिस बिकम्स ट्वेंटी वन ठीक है ये इनकरेक्ट है ये इनकरेक्ट है अब करेक्ट समेशन डी स्क्वायर देख लेते हैं करेक्ट समेशन डी स्क्वायर करेक्ट समेशन डी स्क्वायर क्या आएगा इनकरेक्ट में से जो आपने गलत लिया था ठीक है फोर आपने ले लिया था ना फोर लेना था सॉरी थ्री ले लिया था फोर लेना था तो आपने डिफरेंस ऑफ रैंक थ्री ले लिया था तो उसका स्क्वायर यहां पर ऐड हो गया होगा तो आप इसमें से थ्री के स्क्वायर को माइनस कर दो और जो भी करेक्ट फोर है उसके स्क्वायर को आप लोग यहां पर ऐड कर दो ठीक तो देखिए सर ये 21 वन एम प्लस फिर थ्री इंटू इज इक्वल टू एम माइनस फोर इन इज इक्वल टू एम प्लस एम आर सी कितना आ गया 28 तो दिस इज अ करेक्ट समीशन डी स्क्वायर ये आपका करेक्ट समीशन डी स्क्वायर है तो आर ऑफ आर विल बी वन माइनस सिक्स इंटू ट्वेंटी एट अपॉन सिक्स इंटू थर्टी फाइव सिक्स इंटू थर्टी फाइव ठीक तो ये तो गया ही आपका तो 28 डिवाइडेड बाय 35 फाइव इज इक्वल टू एम प्लस वन माइनस एमआरसीवल टू जीरो पॉइंट टू यह आपका करेक्ट आंसर निकल कर आया है ठीक है यह आपका करेक्ट आंसर निकल कर आया है ऑप्शन बी इज योर आंसर आई एम श्योर सब को समझ में आ रहा है बोलो वीडियो कर दो लाइक बोलो वीडियो कर दो लाइक ठीक है चलो भाई बहुत बढ़िया वीडियो को लाइक कर दो यार फटाफट से वीडियो को बहुत कम लोगों ने लाइक किया हुआ है है वीडियो को बहुत कम लोगों ने लाइक किया हुआ है यहां पर व्यूअर्स काफी अच्छे खास हैं लेकिन वीडियो को बहुत कम लोगों ने लाइक किया हुआ है जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जी ये ठीक चलो बहुत बढ़िया फॉर फाइंडिंग कोरिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट वी कंसिडर वॉट वी कंसिडर्सियम रैंक कोरिलेशन रिलेशन को एफिशियंट

लेकिन अब आप इधर देखो 43, 43 68 एट से कम है तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा 38 43 से कम है तो ये माइनस साइन आ जाएगा 78 38 से ज्यादा है तो ये प्लस आ जाएगा 66 78 से कम है तो ये minus, -83 66 से ज्यादा है तो ये plus, +38 83 से कम है तो minus, -23 38 से कम है तो minus, -83 23 से ज्यादा है तो plus, +63 83 से कम है तो minus, -53 63 से कम है तो माइनस सिमिलरली यहां पर भी हम लोग ऐसे कर देंगे मुझे एक बात बताइए यहां पर हमारे पास टोटल कितने डिविएशन हम लोग निकाल पा रहे हैं और हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन है इलेवन और डिविएशन हम कितने निकाल पाएंगे जाहिर सी बात है हम टेन ही डिविएशंस निकाल पाए ठीक है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस इन डिविएशंस को एम बोला जाता है इन डिविएशंस को एम बोला जाता है ठीक है अच्छा अब आप सिमिलरली डिमांड का देखो अब आप सिमिलरली डिमांड का देखो डिमांड में भी आपने इस तरह से डिविएशन ठीक है थीके? जैसे यहां पर 60 जो है वो 65 से कम है तो माइनस ये कम है तो माइनस एंड सो ऑन इस तरह से आपने निकाले अब आप प्रोडक्ट लोगे लोग का आप डिविएशन का प्रोडक्ट लोगे ठीक है मतलब आप करोगे माइनस इंटू माइनस ये आएगा प्लस माइनस इंटू माइनस ये आएगा प्लस एंड सो ऑन ठीक है आप डिविएशन का प्रोडक्ट लोगे और फिर आप इस प्रोडक्ट वाले कॉलम में देखोगे फिर आप इस प्रोडक्ट वाले कॉलम में देखोगे कि टोटल कितने प्लस साइंस हैं टोटल कितने प्लस साइंस हैं तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ टोटल नौ प्लस साइंस हैं सी की वैल्यू आ वा जाएगी नाइन ठीक है तो एन क्या हुआ एन हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एम क्या M हो गया एम हो गया टोटल नंबर ऑफ डिविएशन विच विल ऑलवेज भी एन माइनस वन वो हमेशा ही एन से एक कम होगा और सी क्या होगा जो प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन होगा उसमें कितनी बार पॉजिटिव साइन आएगा दैट विल बी योर सी ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज वाल्य। अगर आपकी आ गई तो रैंक कोरिलेशन सॉरी कॉन्करेंट डिविएशन वाला coefficient of concurrent deviations आप से निकालोगे। ये अगर 2c सी माइनस एम की वैल्यू पॉजिटिव है अगर 2c सी माइनस एम पॉजिटिव है तो r इज इक्वल टू टू सी माइनस एम अपॉन एम इसका स्क्वायर रूट और अगर 2c सी माइनस एम नेगेटिव है तो r विल बी नेगेटिव ऑफ माइनस टू सी माइनस एम अपॉन एम ठीक है इसका लॉजिक क्या हुआ अगर टू सी माइनस एम आपका नेगेटिव है अगर टू सी माइनस एम आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव का तो स्क्वायर रूट निकाला नहीं जा सकता तो एक माइनस साइन डाल के अंदर वाली चीज को पॉजिटिव कर दिया ठीक है एक माइनस साइन अंदर वाली चीज को पॉजिटिव कर दिया लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो जाती कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमेशा ही पॉजिटिव आता क्योंकि स्क्वायर रूट वाला जो साइन होता है वो तो पॉजिटिव फिगर फेंकता है तो इसलिए बाहर भी एक माइनस साइन यहां पर लगा दिया गया है ठीक है तो हमारे डेटा के हिसाब से अगर हम लोग टू सी माइनस एम देखते हैं तो टू सी माइनस एम आता है, 8, जो एक है तो कोएफिशिएंट uh, ऑफ आपका इस तरह से आई -M M, तो होप ये वाली बात आप सब लोगों को यहां पर समझ में आ रही है ठीक है चलिए सर आओ सर नेक्स्ट अब हम लोग आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में आते हैं टेन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन वॉज फाउंड टू बी फोर ठीक है टेन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है मतलब एन की वैल्यू टेन है अगर एन की वैल्यू टेन है तो टोटल डिविएशन कितने होंगे टेन माइनस वन होंगे और टोटल आपके नौ no डिविएशन होंगे नंबर ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन यानी सी सी की वैल्यू आपको दी हुई है यहां पर इज वैल्यू ऑफ ऑफेशन ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन अच्छा एक थियोर क्वेश्चन भी आता है कि ऑफ ऑफ कॉन्करेंट कॉन्करेंट आप कब निकालते हो ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन तब निकालते हो जब आप एक्चुअली एक्सटेंट के लिए उतने सीरियस नहीं होते यू जस्ट वॉन्ट नो वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव ठीक है तो आसानी से निकल आता है तो आपको उसके लिए एक एक्जैक्ट जो आता है जो फिगर आती है वो फिगर आपकी रिलायबल नहीं होती है इसमें ठीक

तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ स्वयर रूट ऑफ वन बाई नाइन तो ये हो गया माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री ऑप्शन डी इज योर आंसर ठीक है माइनस वन बाई थ्री ऑप्शन डी जो है ये आपका आंसर हो ठीक है माइनस वन बाई थ्री ये आपका आंसर हो रहा है ऑप्शन डी जो है ये आपका आंसर आ रहा है आइए सर लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट डिविएशन फॉर पी पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब एन की वैल्यू क्या है एन की वैल्यू पी है एम की वैल्यू है पी माइनस वन

तो वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू टू सी वॉट इज टू सी सी की वैल्यू है सिक्स तो टू सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व माइनस एम की वैल्यू क्या है एम की वैल्यू है पी माइनस वन एम की वैल्यू है पी माइनस वन आप एक काम करो इसको एम ही रहने दो अपॉन एम ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ठीक है आप दोनों साइड से स्क्वायर करो दोनों साइड से स्क्वायर करो ये आएगा वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस एम अपॉन एम एम की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या बहुत आराम से निकाली जा सकती है कैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम इज इक्वल टू थर्टी सिक्स माइनस थ्री एम तो थ्री एम

ठीक है ये आपका आ रहा है पी की वैल्यू आ वा गई टेन आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है तो ये आपका आ गया टेन ऑप्शन ए जो है यहां पर आपका आंसर आ गया है देखो

कोरिलेशन हमारा यहां पर समाप्त हो जाता है यहां पर इसी के साथ हमारा कोरिलेशन वाला कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाता है और अब हम लोग आ जाते हैं रिग्रेशन पर 45 मिनट्स के अंदर अंदर हमारा को वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है और हम लोगों ने हर टॉपिक के हर लेवल के क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व किया हुआ है ठीक है तो कवर्ड ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन ने किए बड़े वाले भी किए छोटे वाले भी किए टेबुलर भी किए किएस रैंक को रिलेशन सारे के सारे हर टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर किए हुए हैं ठीक है तो इसी बात पर फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और अब आओ बात करते हैं रिग्रेशन के बारे में ठीक है रिग्रेशन में क्या होता है कि आपको एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ठीक है, फिर x की कोई वैल्यू दी हुई होगी आपसे बोला जाएगा y निकालो y की कोई वैल्यू दी हुई होगी आपसे बोला जाएगा x निकालो बात यह है कि x और y की अलग अलग वैल्यूज़ के बेसिस पर हाउ बी एबल टू फॉर्म दिस इक्वेशन दैट इज द रिग्रेशन लाइन ठीक है तो ये आपकी रिग्रेशन लाइन हो जाती है चलिए शुरू किया जाए तो इफ वाई डिपेंड्स ऑन एक्स वाई डिपेंड्स ऑन एक्स मतलब y a bx है तो यहां पर x की किसी भी वैल्यू के ऊपर वाई डिपेंडेंट है ठीक है तो y जो है वो x को डिपेंड कर रहा है तो ना हाउ विल यू फाइंड आउट a एंड b की वैल्यूज हाउ विल यू फाइंड आउट a एंड b की वैल्यूज तो y डिपेंड्स ऑन x तो यहां पर a जो होता है a प्लस बी एक्स है ना तो यहां पर ये यह जो a होता है यहां पर ये यह जो a होता है इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज a ऑफ y ऑन x

ठीक, सिमिलरली अगर x जो है वो y पर डिपेंडेंट है अगर x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई ये चल रहा है तो जो a होता है जो a होता है उसको हम लोग बोलते हैं a ऑफ x ऑन y, और जो b होता है इसको भी हम लोग बोलते हैं b ऑफ x ऑन y, तो दिस इज नाउ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, ठीक है फॉर्मूला वगैरह सब कुछ एक्जैक्टली exactly सेम ही हो जाता है और का होल स्क्स ऑन वाई है, है. यहां पर क्या था यहां पर था समीशन ऑफ एन इंटू समीशन एक्स स्क् माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर क्योंकि ये वाई ऑन एक्स था ऑन एक्स था डिनोमिनेटर में यहां पर एक्स था यहां पर डिनोमिनेटर में वाई है ठीक है पर देखो बी ऑफ एक्स ऑन वाई आर इंटूशन एक्स अपॉन सॉरी और वही बी ऑफ वाई b ऑफ x ऑन y, y का क्या है cov अपॉन सिग्मा y होल स्क्वायर और b ऑफ y ऑन x का क्या था cov XY, cov XY upon sigma x होल स्क्वायर ठीक है ये आपका आंसर इस तरह से मतलब आपके फॉर्मूले आ जाते हैं सिंपल टू रिमेंबर और दूसरा तरीका ठीक है, अच्छा, का ये है X B XY y bar, या फिर एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल वाई बार ये आपका हो जाता है ठीक अब आइए हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाते हैं द फॉलोइंग डेटा

एंड सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इज इक्वल टू फाइव जीरो वाई बार इज इक्वल टू वॉट वाई बार इज इक्वल टू फिफ्टी एट वाई बार इज फिफ्टी एट वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट थ्री जीरो वाई इज सिक्स पॉइंट थ्री जीरो ठीक है कोएफिशिएंट कोरिलेशन uh, कितना है आर आपका है जीरो पॉइंट फोर एट

ठीक है बी आएगा आपका एक्स ऑन वाई वाला तो यह आ जाएगा आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई ठीक है आ जाएगा आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इस तरह से आपका ये आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आर की वैल्यू है जीरो पॉइंट फोर एट इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स फाइव पॉइंट सिक्स जीरो अपॉन सिग्मा वाई सिग्मा वाई इज सिक्स पॉइंट थ्री जीरो तो बी ऑफ एक्स ऑन वाई की क्या वैल्यू आई B of X on y की क्या वैल्यू आई जीरो की वैल्यू भी निकालनी है B, B की वैल्यू तो A की निकल आई ए तो की वैल्यू भी तो निकालनी होगी तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी ऑफ एक्स ऑन वाई ठीक है दिस इज ऑफ एक्स ऑन वाई इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू आपकी निकलती है एक्स बार माइनस

पॉइंट फोर टू सिक्स सेवन इंटू फिफ्टी एट जीरो पॉइंट फोर टू सिक्स सेवन इंटू फिफ्टी एट इज इक्वल टू एम प्लस फोर्टी फोर माइनस एमआरसीवल टू नाइन टू वन फाइव फोर टू फाइव वन फोर सॉरी ठीक है नाइनटीन पॉइंट टू फाइव वन फोर ए की वैल्यू निकलकर आती है ठीक है तो इक्वेशन क्या बन गई इक्वेशन बन गई एक्स इज इक्वल टू नाइनटीन पॉइंट टू फाइव वन फोर प्लस बी बी कितना है Plus अब आपको यहां पर दिया हुआ है कि कंपनी B का जो शेयर है वो साठ रुपए का है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है <coughs> मतलब वाई की वैल्यू आपको दी हुई है plus into 60. अब आपको इसको सॉल्व करना ठीक है अब आप इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो ठीक पॉइंट फोर टू सिक्स सेवन इन टू सिक्सटी इज इक्वल टू एम प्लस नाइनटीन पॉइंट टू फाइव वन फोर माइनस एमआरसीवल टू माइनस सिक्स ऐसा तो नहीं होना चाहिए ऐसा तो नहीं होना माइनस क्यों कर दिया मैंने पॉइंट फोर टू सिक्स सेवन इन टू सिक्सटी इज इक्वल टू प्लस नाइनटीन पॉइंट टू फाइव वन फोर हाँ फोर्टी फोर पॉइंट एट फाइव फोर्टी फोर पॉइंट एट फाइव ठीक है ये आ गया आपका 44.85 ठीक है तो कंपनी ए का जो शेयर प्राइस है कंपनी ए का जो शेयर प्राइस है वो कितना आ गया वो आ गया 44.85 अगर कंपनी बी का शेयर प्राइस 60 है और क्या पूछा है एंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर बी यानी अब वाई की वैल्यू निकालो फॉर अ प्राइस ऑफ फिफ्टी रुपीज ऑफ शेयर ए

ठीक तो है तो y बार कितना है y बार इज y बार y बार इज 58 y बार इज 58 58 माइनस व्हाट इज b ऑफ x 0.54 b ऑफ ऑन x आ गया 0.54 फाइव फोर बार x बार आ गया आपका 44 x बार आ गया 44 ये हो जाएगा तो नाउ व्हाट विल बी दिस 0.54 पॉइंट फाइव फोर इन टू फोर्टी इज इक्वल टू एम प्लस फिफ्टी माइनस एम इज इक्वल टू थर्टी ठीक है तो आपका थर्टी फोर पॉइंट टू फोर बी ऑफ वाई ऑन एक्स आया आपका जीरो पॉइंट फाइव फोर ठीक है तो अब आपकी जो इक्वेशन बनी वो इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इक्वेशन थी ए इज थर्टी फोर पॉइंट टू फोर थर्टी फोर पॉइंट टू फोर प्लस बी वट इज बी बीज पॉइंट फाइव फोर तो पॉइंट फाइव फोर एक्स ठीक है अब x की वैल्यू आप लोगों को यहां पर दी हुई है फिफ्टी इक्वल टू 34.24 प्लस इस तरह से आपका आंसर निकलकर आ जाएगा ठीक है तो 0.54 पॉइंट फाइव फोर फिफ्टी इज इक्वल टू प्लस थर्टी तो ये कितना आ गया 61.24. ये आ गया आपका 61.24. ठीक है तो अब आपका आंसर क्या आ गया आपका पहला आंसर आया था 44.85 और ये आ गया आपका 61.24. ठीक है तो 44.85 61.24 ऑप्शन बी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ऑप्शन बी आपका आंसर यहां पर आ जाएगा आई होप ये वाली बात सबको समझ में आ रही है फटाफट से आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक ठीक है आप फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक बहुत बढ़िया आओ नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग आप ये रहा आपके सामने इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ओनिक्स

तो आर क्या है आर है रूट थ्री बाई टू आर है रूट थ्री बाई टू इन सिग्मा वाई विकास बाई फोर माइनस थ्री बाई फोर ठीक है आओ सर इसको यहां पर सॉल्व किया जाए ठीक तो पहले माइनस थ्री बाई फोर माइनस थ्री बाई फोर इज इक्वल टू एम प्लस फिर टू डिवाइडेड बाई एम आर सी एम आर सी इज इक्वल टू ठीक है डिवाइडेड by टू ये आ गया और into square रूट ऑफ थ्री तो पहले एक्चुअली स्क्वेर रूट ऑफ थ्री कर लेना चाहिए था हमें तो थ्री का हम लोगों ने स्क्वेर रूट लिया डिवाइडेड बाई टू किया इंटू टू किया अब डिवाइडेड बाई माइनस थ्री बाई फोर करना है तो इंटू फोर बाई थ्री कर दू मैं इंटू माइनस फोर बाई थ्री कितना आता है माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो आता है आपका माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो ठीक है ये आया आपका सिग्मा एक्स हमें क्या चाहिए हमें वेरियंस ऑफ एक्स चाहिए यानी हमें इसका स्क्वायर चाहिए इसका स्क्र चाहिए तो इन टू इज इक्वल टू फाइव पॉइंट थ्री थ्री इज योर आंसर ठीक है फाइव पॉइंट थ्री 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 इज योर आंसर ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन ए रूट थ्री बाई टू तो थ्री बाई टू का अगर मैं स्क्वेयर रूट लेके एम प्लस में डालता हूं और टू से डिवाइड करता हूं तो फाइव पॉइंट थ्री थ्री नहीं आता है ऑप्शन ए के नॉट बी माई आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन बी सिक्सटीन बाई थ्री येस ऑप्शन बी जो है ये मेरा आंसर आ गया है ठीक है ऑप्शन बी जो है यहां पर मेरा आंसर आ गया है sure सबको समझ में आ गया बैन फो बन फो व ठीक है ये आपका हो गया है अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस पर प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस में आओ आप लोग देखो फटाफट से तो यहां पर आ रहे रिलेटेड फटाफट से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा देता हूं देखो इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरियबल्स एक्स एंड यू इज दिस u प्लस थ्री टू टेन एंड बिटवीन टू अदर वेरियबल्स वाई एंड वी इज दिस

फिर जो आपकी ये दूसरी इक्वेशन है टू वाई प्लस फाइव वी टू वाई टू वाई प्लस फाइव वी इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ठीक है तो अब आपको v के टर्म्स में लिखना है ठीक तो है इस तरह से आप लोगों को यहां पर लिखना है अब आपको क्या करना है बी ऑफ वी ऑन यू बी ऑफ वी ऑन यू आता है आपका स्केल ऑफ v अपॉन स्केल ऑफ u स्केल ऑफ u into b of ऑफ b of y ऑफ x ठीक है आपको यही तो चाहिए था ना कोएफिशिएंट रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपको चाहिए था, v on u वाला. तो v ऑन u वाला कैसे आएगा b ऑफ v ऑन u आएगा आपका स्केल ऑफ v अपॉन स्केल ऑफ u into b of ऑफ on ऑन ठीक है अब what इज स्केल ऑफ v what इज स्केल ऑफ v द स्केल ऑफ v इज ये जो v है ना इसका ये वाला minus two by five

इन टू जीरो पॉइंट एट कितना आता है पॉइंट वन जीरो सिक्स सेवन आपका आंसर आ जाता है पॉइंट वन जीरो सिक्स सेवन ऑप्शन ट्राई करें एक बार ऑप्शन तो सेवन बाई सेवेंटी फाइव तो होगा नहीं ऑप्शन बी एट बाई से ऑप्शन बी इज योर आंसर

ठीक है दूसरी इक्वेशन क्या है वी इज इक्वल टू माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स वी इज इक्वल टू माइनस थ्री वाई माइनस सिक्स तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस थ्री वाई तो यहां पर जो स्केल ऑफ वी है यहां पर जो स्केल ऑफ वी है वो आ जाएगा माइनस थ्री वो आ जाएगा आपका माइनस थ्री ठीक है अब आप लोगों से बी ऑफ वी ऑन यू पूछा है तो आप क्या करोगे स्केल ऑफ वी अपॉन स्केल ऑफ यू इन टू बी ऑफ वाई ऑन एक्स ठीक है, वट इज स्केल ऑफ वी स्केल ऑफ वी इज माइनस थ्री डिवाइडेड बाई स्केट इज बी ऑफ वाई बी ऑफ वाई आपका आ जाएगा टू पॉइंट फोर ठीक है तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक है माइनस थ्री बाई टू इंटू टू पॉइंट फोर कितना हो गया माइनस थ्री पॉइंट सिक्स माइनस थ्री पॉइंट सिक्स ये आपका आंसर आ गया है माइनस थ्री पॉइंट सिक्स दिस इज योर आंसर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है लाइंस लाइंस की कि जो दो जब आपस C, और आपके पास एक और लाइन है EY F, तो जब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई की जो वैल्यूज निकलेंगी वो एक्स बार और वाई बार निकलेंगी ठीक है आओ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं तो फाइंड द द वेरिएबल्स एंड रिग्रेशन आर गिवन एज अच्छा फॉर द वेरिएबल्स एंड द रिग्रेशन इक्वेशन आर गिवन एज दिस एंड दिस फाइंड दर्थमेटिक मीन एक्स एंड वाई तो अर्थमटिक्स क्या होंगे इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों को साइमल्टेनियसली आपको सोल्व करना होगा साइमिलटेनियसली सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी alternatively आप options भी ट्राई कर सकते हो options जब आप ट्राई करोगे तो आपका आंसर जल्दी आ सकता है तो इसका आंसर ऑप्शन बी है equations वाला इक्वेश हम लोग कर चुके हैं options ट्राई करना आप लोगों को आता है इसको आप लोग कर सकते हो ठीक है

थ्री इन टू माइनस वन प्लस फोर माइनस थ्री प्लस फोर यह आ गया आपका वन ऑप्शन ए विल बी योर आंसर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं ठीक है थेके? अब वो एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं बेसिकली ये कहता है कि जो आर है दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी ऑफ वाई ऑन एक्स एंड बी ऑफ एक्स ऑन वाई ठीक है यह आपका ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है

ठीक है तो हम एक काम करते हैं इस वाली लाइन को y ऑन x मान लेते हैं और इस वाली लाइन को x ऑन y मान लेते हैं तो सेवन एक्स माइनस थ्री वाई माइनस एटीन इज इक्वल टू जीरो सेवन एक्स माइनस थ्री वाई माइनस एटीन इज इक्वल टू जीरो हो गया आपका अब इसको मैं y ऑन x मान रहा हूं इसको मैं y ऑन x मान रहा हूं तो थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस एटीन प्लस सेवन एक्स तो y इज इक्वल टू माइनस एटीन अपॉन थ्री प्लस सेवन अपॉन थ्री एक्स

इसका स्क्र रूट लिया तो आंसर आया आंसर आ गया क्या ये -1 से आयासन के बीच में लाई कर रहा है हाँ. हैं और अगर ये -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो ये जो आपने सोचा था कि दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स ये अजम्पशन आपका एकदम सही है ठीक है तो दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स ऑप्शन ए विल बी योर आंसर ठीक है ऑप्शन ए जो है ये आपका आंसर हो जाएगा इधर देखो फॉर द वेरियबल एक्स एंड वाई रिग्रेशन इक्वेशन यही यही है व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ तो अब इस टाइप का क्वेश्चन है अब इसमें आपको क्या करना होगा सबसे पहले तो आपको इन दोनों लाइंस का कोरिलेशन को निकालना होगा ठीक है तो अगर एग्जाम में एकदम फ्रेश क्वेश्चन आएगा तो आपको कोरिलेशन को निकालूंगा इसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने यहां पर निकाला ठीक है यहां पर सेम का सेम क्वेश्चन है पहले ये वाला क्वेश्चन था उसके बाद ये वाला सेम क्वेश्चन आ गया तो मुझे पता है कोरिलेशन इज सिक्स ठीक है मैंने तो निकाला हुआ है ना पॉइंट सेवन सिक्स तो मुझे दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर बाई चांस इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी लाइन वाई ऑन एक्स और कौन सी एक्स ऑन वाई इनको यूज करके आपको कोरिलेशन को निकालना पड़ेगा फिर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज करके स्टैंडर्ड इविएशन ऑफ वाई वगैरह निकाल सकते हो ठीक है एनी वे हमारा तो ये हुआ ही वाई हमारा तो ये हो ही चुका है तो बस अभी हम लोगों को कुछ नहीं करना है हमारा काम बड़ा आसान है ठीक है हमारा काम एक्चुअली बहुत आसान है तो बी ऑफ वाई ऑन एक्स तो आपका आ ही चुका है ठीक है बी ऑफ वाई ऑन एक्स तो आपका आ ही चुका है तो बी ऑफ वाई ऑन एक्स क्या होगा बी ऑफ वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू आर इन टू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स ठीक है बी ऑफ वाई ऑन एक्स आप लोग निकाल चुके हो दिस इज सेवन बाई थ्री सेवन बाई थ्री कोरिलेशन को एफिशियंट आप निकाल चुके हो सेवन बाई थ्री इंटू वन बाई फोर का स्क्वेयर रूट आप डायरेक्टली पॉइंट सेवन सिक्स भी लिख सकते थे लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी नहीं लिख रहा हूँ इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है सिग्मा वाई अपॉन वट इज सिग्मा एक्स वेरियंस ऑफ एक्स आपको नाइन दिया एक्स तो आपका आ जाएगा थ्री ठीक है वेरियंस ऑफ एक्स आपका वाई है सिग्मा एक्स आपका थ्री आ जाएगा बस सिंपल है तो आप एक काम करो स्क्वेयर uh, कर लो इसका स्क्वेयर कर लो और आप इसका भी स्क्वेयर कर लो तो ये आ जाएगा सेवन सेवन जे फोर्टी नाइन थ्री थ्री जे नाइन इज इक्वल टू सेवन अपॉन ट्वेल्व इन टू सिग्मा वाई होल स्क्र अपॉन थ्री अपॉन नाइन सॉरी अपॉन नाइन ठीक है ये uh, अब आप वो कर लो सिग्मा वाई स्क्र क्या हो जाएगा सिग्मा वाई स्क्र विल बी वॉट फोर्टी नाइन इन टू ट्वेल्व इन नाइन अपॉन नाइन सेवन ठीक है ये आपका आ जाएगा सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा वाई क्या हो जाएगा सिग्मा वाई इसका भी स्कोर रूट हो जाएगा दिस विल बी द स्टैंडर्ड इवियन ऑफ वाई हम लोगों से वेरियंस पूछा याडिएशन पूछा है, या? हम लोगों से है. तो फोर्टी नाइन इंटू ट्वेल्व इंटू नाइन डिवाइडेड बाई नाइन डिवाइडेड बाई सेवन इसका स्क्वेयर रूट ये आ गया आपका नाइन पॉइंट वन सिक्स नाइन पॉइंट वन सिक्स ठीक है नाइन पॉइंट वन सिक्स जो है ये आपका आंसर आ गया है तो ऑप्शन सी इज योर आंसर ठीक है ऑप्शन सी जो है आपका आंसर आ गया है आइए सर ये वाला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं सिंपल क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपके पास रिग्रेशन रिग्रेशन लाइन ऑफ दी हुई है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स आपको दी हुई है फोर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन फोर वाई 5x 15 ये आपको दिया हुआ है तो फोर वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन प्लस फाइव एक्स तो वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन फोर प्लस फाइव अपॉन फोर एक्स ठीक है तो बी ऑफ वाई ऑन एक्स आ जाएगा फाइव अपॉन फोर अब यहां पर क्या दिया हुआ है

और अभी तक आप में से जितनों ने भी वीडियो को लाइक नहीं की है ठीक है आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है, तो फटाफट से आप लोग यहां पर वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक <coughs> ये गलत हो गया नाइन पॉइंट वन सेवन सिक्स फोर नहीं वन सिक्स फोर सेवन होगा नाइन पॉइंट वन सिक्स फोर सेवन ठीक है पिछले वाले क्वेश्चन का ठीक है चलो ये हो गया अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर पर अब हम लोग आ जाते हैं प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर पर तो देखो सबसे पहले आप देखो स्टैंडर्ड व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड एरर माइनस आर स्क्र अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन ठीक है और प्रॉबेबल एरर क्या होता है इसी में आप मल्टीप्लाई दो पॉइंट सिक्स सेवन फोर अब कभी .674 कर देता है कभी कभी कर कर देता है, कभी .675 कर देता है, ऑल दो आपका जो फाइनल आंसर है वो हल्का फुल्का सही फर्क आता है तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ठीक अच्छा, है बट इज स्टैंडर्ड एर स्टैंडर्ड एर इज वन माइनस आर स्क्र अपॉन स्क्ट ऑफ एन ठीक और ये प्रोबेबल एरर स्टैंडर्ड एरर के बीच का ये रिलेशन भी है तो एरर इज इक्वल टू टू बाई थ्री इंटू स्टैंडर्ड एरर देखो सर, 25 तो हम लोगों को प्रॉबेबल निकालना है प्रॉबेबल एरर कैसे आता है आपका पॉइंट अपॉन स्क्ट ऑफ एन ठीक है तो पॉइंट सिक्स इंटू वन माइनस आर स्क्वे अपॉन स्क्ट ऑफ एन ट्वेंटी रूटी फाइव का स्क्वेयर रूट फोर कितना आया पॉइंट जीरो फोर एट फाइव ठीक है पॉइंट जीरो फोर एट फाइव ही आ गया पॉइंट जीरो फोर एट फाइव तो ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया है ठीक है ऑप्शन ए जो है ये आपका आंसर आ गया है इधर देखो

प्रॉबेबल एरर आपका आएगा पॉइंट सेवन इन टू इज इक्वल टू एम प्लस वन माइनस इज़ इक्वल टू डिवाइडेड बाई एट इज इक्वल टू इन टू जीरो पॉइंट सिक्स सेवन फोर कितना है पॉइंट फोर टू नाइन सिक्स टू नाइन सेवन ले लो आप ठीक है पॉइंट फोर टू नाइन सेवन ले लो अब आपकी जो लिमिट्स आएंगी वो क्या आएंगी आर कितना है आर इज पॉइंट सेवन ना तो लोअर लिमिट आपकी आएगी पॉइंट सेवन में से आप माइनस कर दो पॉइंट फोर टू नाइन सेवन और अपर लिमिट आपकी आएगी पॉइंट सेवन में आप ऐड कर दो पॉइंट फोर टू नाइन सेवन इस तरह से आपकी लिमिट्स निकलकर आ जाएंगी ठीक है इस तरह से आपकी लिमिट निकल कर आ है तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर हो ठीक है ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर 0.043 है तो हमारा पॉइंट जीरो फोर पॉइंट फोर तो 0.423 हो गया बात एक ही ठीक है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका आता रहेगा आइए सर

कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन डिटरमिनेशन क्या होता है आर स्क्वायर होता है इसको परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अकाउंटेड फॉर भी बोला जाता है और इसका फॉर्मूला होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस या सिंपली कोएफिशिएंट का स्क्वायर

दो रिग्रेशन लाइन आपकी अगर मतलब आर आपका परफेक्ट नेगेटिव है या आर आपका परफेक्ट पॉजिटिव है तो जो दोनों रिग्रेशन लाइन है वो कर जाएंगी। मतलब वो एक जैसी हो जाएंगी एक के ऊपर एक आ जाएंगे है? <coughs> अगर R जीरो है तो लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे अगर कोरिलेशन है नहीं तो दोनों रिग्रेशन लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी इफ टू वेरिएबल्स एंड एक्सएल आर इंडिपेंडेंट और अनकोरिलेटेड ठीक है इसके बारे में हम लोगों ने गाल पियर्सन पढ़ाते हुए भी बात कर दी थी आओ

सारे कॉन्सेप्ट्स का रिविजन हो गया ठीक <coughs> है इतना सारा का सारा वो हो गया सारे हो गए सब कुछ हो गया मजा आ गया सी ए सुमित राजपूत अंकित आरुष मीत जैन आर्यन शॉर्ट्स बहुत मजा आया अनिश झा यस प्रतिक प्रभ चलो बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच एवरीवन टेक केयर अपना ध्यान रखिए